हेलो एवरीवन, अभी हम लोग देखने वाले हैं कि टैली में क्या क्या सीखेंगे और क्या क्या कंटेंट हम लोग को सीखने को मिलेगा। ये सब चीज़ के बारे में हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो टैली में हम लोग अभी जो सीखने वाले हैं, सारा जो कंटेंट हमारा रहेगा टैली प्राइम बेस पे रहेगा, जो लेटेस्ट वर्जन अभी चल रहा है, ठीक है। तो टैली विथ GST हम लोग सीखेंगे, टैली विथ GST। तो इसमें हम लोग सबसे पहले वर्जन सीखेंगे टैली प्राइम वर्जन, इसमें GST के साथ आपको बताया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग, इसके अंडर हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि अकाउंटिंग क्या होता है, ठीक है। टैली क्या होता है, बुक कीपिंग क्या होता है, कंप्यूटराइज फाइनेंशियल क्या होता है, ये सब सारा चीज़ के बारे में थ्योरी पहले हम लोग समझ लेंगे। थ्योरी समझने के बाद ही हम लोग आगे कुछ कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग थ्योरी समझेंगे, ठीक है। इसके बाद जैसे थ्योरी हम लोग का कंप्लीट होता है, तब टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में समझेंगे, ठीक है। कि अकाउंटिंग में कौन कौन से टर्म्स आते हैं, किस किस चीज़ को क्या बोलते हैं, एसेट्स किसको बोलते हैं, लाइबिलिटीज किसको बोलते हैं, ठीक है। और ड्राइंग क्या हो गया, आउटस्टैंडिंग किसको बोलते हैं, प्रीपेड किसको बोलते हैं, ये सब सारे चीज़ के बारे में इसमें आपको मिलेगा, ठीक है। इसके बाद आपको मिलेगा बेसिक, मतलब फीचर्स, जो टैली का जो बेसिक फीचर्स रहता है वो चीज़ आपको मिल जाएगा। कि टैली हम लोग स्टार्ट कैसे करेंगे, ये सब सारा चीज़, हम लोग लेजर कैसे क्रिएट करेंगे, ग्रुप कैसे क्रिएट करेंगे, किस किस फंक्शन का क्या काम है, क्या यूज है, मतलब जितने फीचर्स हैं, बेसिक जो फीचर्स हैं वो आपको बता दिया जाएगा। बेसिक फीचर्स जैसे कंप्लीट होता है, उसके बाद आपको बताया जाएगा टाइप्स ऑफ अकाउंट के बारे में, कि अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से अकाउंट्स होते हैं और किस किस अकाउंट्स का क्या काम है, वो सब चीज़ आपको बताया जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको बताया जाएगा गोल्डन रूल्स के बारे में, कि गोल्डन रूल जो होते हैं, तीन रूल होते हैं, तीनों रूल के बारे में आपको बताया जाएगा कि पर्सनल का क्या होता है, रियल का क्या होता है और नॉमिनल का क्या होता है, ठीक है। तो तीनों रूल के बारे में बताया जाएगा और उसके बारे में समझाया भी जाएगा। उसके बाद आपके लिए आएगा जर्नल एंट्रीज, जैसे रूल हम लोग समझ जाएंगे, टाइप्स ऑफ अकाउंट, रूल। तो रूल समझने के बाद हम लोग जर्नल एंट्रीज के बारे में समझेंगे कि जर्नल एंट्रीज हम लोग कैसे करते हैं, जर्नल एंट्रीज में क्या क्या होता है और जर्नल एंट्रीज करने का तरीका क्या है, फॉर्मेट क्या है, ये सब सारा चीज़ आपको बताया जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको टाइप्स ऑफ वाउचर सिखाया जाएगा, टाइप्स ऑफ वाउचर में आपको बताया जाएगा कितने प्रकार के वाउचर होते हैं, किस किस वाउचर से क्या क्या होता है, हम लोग वाउचर में इंटर कैसे करते हैं, उसके लिए क्या क्या बटन है, ये सब सारा चीज़ आपको बताया जाएगा। जैसे F4 से कॉन्ट्रा वाउचर हो जाएगा, F5 से पेमेंट हो जाएगा, F6 से रिसिप्ट हो जाएगा, ये सब सारा चीज़ बेसिक जो भी है वाउचर, जितना भी आपको सारा वाउचर के बारे में बताया जाएगा स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। क्योंकि अगर हम लोग वाउचर समझेंगे तभी हम लोग आगे काम कर सकते हैं। और जैसे वाउचर समझते हैं, उसके बाद तुरंत आपको बताया जाएगा स्टॉक मेंटेन करने के लिए, कि कैसे स्टॉक मेंटेन करना है, कैसे हम लोग का कोई भी माल अगर आया ऑफिस में, दुकान में, आपका जो भी फैक्ट्री है या फिर कोई भी दुकान है, उसमें जो भी माल आता है उस माल को हम लोग रिकॉर्ड कैसे करेंगे, कंप्यूटर में कैसे हम लोग वहाँ पर सेटअप करेंगे कि ये है माल इतना पीस इतना क्वांटिटी का आया हुआ है या इतना रेट वाला आया हुआ है, वो सब सारा चीज़ हम लोग सेट करने के लिए इसमें सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। उसके बाद आपको बताया जाएगा क्रिएटिंग ऑफ पार्टी, ठीक है, कि पार्टी अकाउंट हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे। पार्टी अकाउंट अंदाजे बना देते, फटाफट टाइप करके हो गया काम, लेकिन हम लोग अच्छे तरीके से सीखेंगे कि पार्टी का अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, पार्टी कितने तरह के होते हैं और पार्टी अकाउंट कैसे क्रिएट करेंगे, वो सब सारा चीज़ आपको बताया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको बताया जाएगा परचेज एंड सेल्स करने के लिए, कि हम लोग कुछ भी सामान हम लोग परचेज कैसे करेंगे, अगर जो परचेज करके लाए हुए हैं उसको हम लोग कंप्यूटर में कैसे चढ़ाएंगे, अगर हम लोग को कुछ सेल करना हो तो सेल कैसे करेंगे, रिटर्न करना हो तो रिटर्न कैसे करेंगे, परचेज रिटर्न हो गया, सेल्स रिटर्न हो गया, मतलब जितने भी एंट्रीज होंगे सारा एंट्रीज आपको बताया जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको बताया जाएगा GST के बारे में, GST का थ्योरी होता है, GST का थ्योरी आपको बताया जाएगा कि GST क्या होता है, GST कितने प्रकार के होते हैं, ये सब सारा चीज़ आपको बताया जाएगा थ्योरी पहले, GST का स्लैब क्या है, GST कब आया था, सारा चीज़ एकदम स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा। इसमें आपको घबराने की टेंशन नहीं है, पूरा स्टेप बाय स्टेप एकदम आराम से बताएंगे ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए और अच्छे तरीके से सारा नोट्स भी हम लिखवा देंगे एक एक करके, स्टेप बाय स्टेप पूरा स्टेप बाय स्टेप बताएंगे आपको कैसे करना है, ठीक है। उसके बाद आपको CGST आ जाएगा, SGST आ जाएगा, GST में जैसे हम लोग थ्योरी कंप्लीट करेंगे CGST क्या होता है, SGST क्या होता है, ये सब चीज़ के बारे में आपको बताया जाएगा, ठीक है। जैसे CGST SGST कम्प्लीट होता है, साथ में ही आपको बता दिया जाएगा IGST के बारे में, कि IGST कब कटता है। तो अधिकतर आप लोग देखे होंगे प्रत्येक बिल में CGST और SGST दोनों कटता है, फिर IGST कब कटता है, तो IGST कब कटता है वो भी आपको बता दिया जाएगा,
सी जीएसटी कब करता है, आई जीएसटी कब करता है, वो भी आपको बता दिया जाएगा अच्छी तरीके से, ठीक है। इतना करने के बाद यूटी जीएसटी एक है, यूटी जीएसटी के बारे में भी आपको बताया जाएगा, यूटी जीएसटी क्या होता है, ठीक है। उसके बाद फिर आपको बताया जाएगा ट्रायल बैलेंस हम लोग कहाँ चेक करेंगे और ट्रायल बैलेंस कैसे बना, ये सब सारा चीज़ आपको बता दिया जाएगा। फिर आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बताया जाएगा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे चेक करते हैं, कहाँ चेक करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या क्या देखते हैं, इसके बारे में आपको बताया जाएगा। इसके बाद आपको बैलेंस शीट के बारे में बताया जाएगा, कैसे हम लोग बैलेंस शीट देखते हैं और बैलेंस शीट में क्या क्या देखते हैं, गलत हुआ तो कैसे सुधार करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में भी उसी तरह से देखेंगे कि आंसर अगर नहीं आया या प्रॉफिट हम लोग एग्जैक्ट नहीं पता चल रहा है, कुछ गड़बड़ है, तो कैसे हम लोग चेक करेंगे, सुधारेंगे, एडिट कैसे करेंगे, सारा चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप मिलेगा, ओके। इसके बाद जीएसटी रिपोर्ट के बारे में बता दिया जाएगा कि हम लोग का जीएसटी रिपोर्ट क्या है, कितना हम लोग को जीएसटी पेमेंट करना है, कितना जीएसटी हम लोग को रिसीव हुआ, ये सब सारा चीज़ रिपोर्ट के बारे में आपको बताया जाएगा। उसके बाद स्टॉक समरी हो जाएगा कि हमारे पास अभी कितना माल अवेलेबल है, कितना माल अभी बाकी है, कितना सेल हुआ, कितना, ये सब सारा चीज़ आपको डिटेलिंग से स्टेप बाय स्टेप बता दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको एक्सपोर्ट करने के लिए बताया जाएगा, कुछ भी बिल अगर हम लोग का बना हुआ है, हम लोग परचेज किए या सेल किए, अधिकतर हम लोग बिल बनाते हैं सेलिंग का, क्योंकि परचेज का तो बिल हम लोग को मिल जाता है, उसका सिर्फ एंट्री करना होता है, तो वो हम लोग एंट्री कर लेंगे, लेकिन एक्सपोर्ट हम लोग करते हैं सेल बिल का। अगर हम लोग का पेमेंट हुआ है, सेल हुआ है, हम लोग रिसीव किए हुए हैं, और या फिर जर्नल एंट्रीज हो गया है, ये सब चीज़ का हम लोग डेटा को एक्सपोर्ट कैसे करेंगे, जेपीजी फाइल में या इमेज फाइल में, पीडीएफ फाइल में, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा यूज होता है पीडीएफ फाइल, तो पीडीएफ फाइल में कैसे बनाएंगे, वो सब सारा चीज़ बता दिया जाएगा। इतना करने के बाद मेल कैसे होता है उसके बारे में आपको बताया जाएगा, ठीक है, कि हम लोग मेल कैसे करते हैं, अगर एक्सपोर्ट कर दिए पीडीएफ बन गया, पार्टी के पास मेल करना हो या कंपनी को मेल करना हो, तो मेल कैसे करेंगे उसके बारे में भी आपको बता दिया जाएगा अच्छे तरीका से, ठीक है। तो हम लोग अभी इसमें क्या सीखेंगे टैली में, सारा चीज़ आपको हम बता दिए, जितने कंटेंट है सारा कंटेंट हम आपको बता दिए, आप नोट्स भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद आपको पैरोल भी बता दिया जाएगा, ठीक है, कि पैरोल क्या होता है उसके बारे में भी बता दिया जाएगा, एम्प्लॉय को पेमेंट कैसे करना है, ये सब सारा चीज़ आपको बता दिया जाएगा, कैसे कैसे हम लोग करेंगे, सारा आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कंपनी कैसे बनाएंगे, कंपनी कैसे क्रिएट होगा, और सारा स्टेप आपको हम बताएंगे, स्टेप करने का तरीका आप समझिएगा और अच्छे तरीके से आप कोशिश कीजिएगा, आराम से हो जाएगा टैली, टैली कोई हार्ड नहीं है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि टैली सीखने के लिए आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस या कोई भी है, 10th पास भी है, टैली सीख सकते हैं, ठीक है। तो टैली एकदम आराम से सीख सकते हैं, बहुत ईजी तरीके से हम आपको बताएंगे, डरने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इसके लिए अभी हम लोग को जाना पड़ेगा स्क्रीन पे, और स्क्रीन के अभी हम लोग टैली स्टार्ट करेंगे, इसमें हम लोग देखेंगे कैसे टैली स्टार्ट करना है, कितना समय लगेगा टैली स्टार्ट करने में, और हम लोग कैसे कंपनी बनाएंगे और आगे का काम करेंगे, ठीक है। तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं कंपनी बनाने के लिए, स्क्रीन पे चलते हैं। तो अभी हम लोग स्क्रीन पे आ चुके हैं और यहाँ पे देखेंगे कैसे हम लोग को टैली स्टार्ट करना है। देखिए यहाँ पे टैली प्राइम दिखाई दे रहा होगा, टैली प्राइम, तो टैली प्राइम में डबल क्लिक करेंगे, ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो टैली प्राइम जो लेटेस्ट वर्जन है, इसमें स्टार्ट होने में समय लेता है, ये आपका भी समय लगेगा, तो जो समय यहाँ ले रहा है समय आपका भी लगेगा, उसके लिए हड़बड़ाना नहीं है। और टैली जैसे स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद हम लोग को फीचर्स मिलेगा, फीचर्स के बारे में भी आपको समझना है कि क्या क्या इसमें फीचर्स मिलता है। तो टैली प्राइम जब भी स्टार्ट होगा, अगर आपका जैसे एजुकेशन मोड पे है, तो इस तरह से आपका चार ऑप्शन खुलेगा जो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है। और अगर आपका ओरिजिनल मतलब एक्टिवेटेड है, लाइसेंस वाला है, तो उसमें ये चारों ऑप्शन नहीं खुलेगा। तो चारों है क्या चीज़ उसके बारे में हम बता देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कंटिन्यूइंग एजुकेशन मोड है, एजुकेशन मोड में अगर आप जाते हैं तो एजुकेशन मोड में आपको मिलेगा, अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो एजुकेशन मोड में ही जाना पड़ेगा और उसी में काम करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है, लाइसेंस लेना चाहते हैं, तो लाइसेंस के लिए भी आपको इसमें आप ऑनलाइन जाकर के लाइसेंस ले सकते हैं। पुराना लाइसेंस आपका लिया हुआ है, जो टैली ईआरपी चल रहा था पुराना वर्जन, उस वर्जन का लिया हुआ है, तो उसको आप इसमें एक्टिव कर सकते हैं, और यहाँ पे कि जो न्यू लाइसेंस लिए हैं उसको आप यहाँ पे एक्टिव कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग चलते हैं कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड, यहाँ पे जाते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग को एजुकेशनल मोड पे ही काम करना है। तो हम लोग सबसे पहले क्लियर कर लेते हैं कि एजुकेशनल मोड और लाइसेंसेबल दोनों में क्या अंतर है। तो देखिए एजुकेशनल मोड जो होता है प्रैक्टिस करने के लिए है,
और लाइसेंस वाला जो होता है उस पर वर्क करने के लिए होता है। दोनों में अंतर सिर्फ डेट का है। देखिए इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि सिर्फ इसमें डेट का अंतर है। अगर हम लोग अभी एजुकेशन मोड में आए हुए हैं तो यहाँ पे देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा 1 अप्रैल 2022 आपको डेट दिखाई दे रहा है। हमेशा आप एजुकेशन मोड में 1 अप्रैल 2 अप्रैल को जो भी आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं कर सकते हैं। लेकिन वही लाइसेंस वाला रहेगा तो जिस डेट पे आप काम कर रहे हैं उस डेट पे आप प्रिंट कर सकते हैं, जिस डेट पे सेल कर सकते हैं। जैसे अगर आज हो गया आपका 9 अक्टूबर तो 9 अक्टूबर के डेट पे आप सेल कर सकते हैं लाइसेंस वाला में, लेकिन एजुकेशन बोर्ड में 9 अक्टूबर पे आपका एंट्री नहीं होगा। बस इतना ही अंतर है। बाकी बात कैसे करना है, कैसे काम करना है, क्या क्या तरीका है, क्या क्या फंक्शन है, सारा फंक्शन आप इसमें यूज कर सकते हैं और सारा फंक्शन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो लाइसेंस लेने के लिए लाइसेंस आपको डेट बाय डेट काम करना है तो लाइसेंस लेना पड़ता है। बस माइंड में यही सेट रखिए कि अगर आपको डेट अगर पे डेट काम करना है तो लाइसेंस लेना पड़ेगा, बिना लाइसेंस के आप डेट बाय डेट काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले समझेंगे, क्रिएट करेंगे हम लोग कंपनी, कि कैसे कंपनी क्रिएट करते हैं। उसके लिए आपको प्रेस करना होगा F3। F3 प्रेस करने के बाद आपको जाना होगा, यहाँ पे देखिए क्रिएट कंपनी लिखा हुआ है तो क्रिएट कंपनी में जाना है। और यहाँ पे आपको और भी फंक्शन मिल रहा है, यहाँ पे अल्टर कंपनी, सेलेक्ट कंपनी, सट कंपनी, ये सब सारा चीज़ मिल रहा है। ये सब सारा चीज़ के बारे में भी बता दिया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सामने आपको दिख रहा है क्रिएट कंपनी, कि क्रिएट कंपनी होता क्या है। तो पहले हम लोग समझेंगे क्रिएट कंपनी जो फंक्शन है उससे क्या होगा। तो उससे हम लोग नया कंपनी क्रिएट कर सकते हैं, नया कंपनी हम लोग बना सकते हैं। उसके बाद जो अल्टर कंपनी है इसमें क्या होता है, तो जब भी कंपनी बनाने समय कुछ स्पेलिंग एरर हो गया, मिस्टेक हो गया, कुछ ऐड करना चाहते हैं तो वो सब सारा चीज़ डिटेल को आप यहाँ पे सुधार सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। ठीक है, सेलेक्ट कंपनी इसका काम होता है कि जो पहले से कंपनी बना हुआ है उस कंपनी को सेलेक्ट करके आप ओपन कर सकते हैं। ठीक है, और शट कंपनी जो कंपनी आपका ओपन है यहाँ पे डिस्प्ले पे उसको बंद कर सकते हैं। ये सब सारा चीज़ फीचर्स है, तो आपको सारा कुछ वीडियो में अच्छे तरीके से डिटेल स्टेप बाय स्टेप मिलेगा। और सारा नोट करते जाइएगा कि क्रिएट कंपनी का काम क्या है, अल्टर कंपनी का काम क्या है, शट कंपनी का काम क्या है, सेलेक्ट कंपनी का काम क्या है, सारा चीज़ आप नोट्स कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्रिएट कंपनी में जाते हैं और यहाँ पे हम लोग को कंपनी डिटेल डालना होगा कि नेम क्या है, कंपनी का नेम क्या है। जैसे हम यहाँ पे कंपनी का नेम डाल देते हैं DI टेक्निकल इंटर इंटर। उसके बाद एड्रेस डालना हो तो एड्रेस हम डाल देते हैं धुरवा बस स्टैंड रांची। रांची 83404। फिर यहाँ पे कर देंगे हम लोग झारखंड। ठीक है, फिर यहाँ पे आप अपना GST नंबर लिखना चाहते हैं, GSTIN, तो वो लिख सकते हैं आप GSTIN। तो जो भी आपका GST नंबर रहेगा वो आप डाल दीजिएगा। फिर यहीं पे आप अपना शो करना चाहते हैं कि हम अपना फ़ोन नंबर शो कर देते हैं ताकि कस्टमर को इजी हो पहुँचने में, कस्टमर को दिक्कत ना हो, बिल देख करके आ सकता है आराम से। आप चाहते हैं कि नहीं हम अपना ईमेल भी शो कर देते हैं, ठीक है, तो ईमेल भी आप शो कर सकते हैं, अपना डाल दीजिएगा ईमेल, पूरा डाल दीजिएगा, हम आपको एग्जाम्पल बता रहे हैं। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि नहीं अगर हमारा वेबसाइट है तो वेबसाइट भी आप डाल सकते हैं। इस तरह से आप सारा कुछ डिटेल डाल सकते हैं। ठीक है, तो डालने के बाद इंटर स्टेट आपका जो बोलेगा सेलेक्ट करना कंपलसरी है। जैसे हमारा झारखंड है तो झारखंड हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद पिन कोड बोल रहा है तो पिन कोड आपको डाल देना है। टेलीफोन बोल रहा है, टेलीफोन नंबर अगर है टेलीफोन नंबर डाल दीजिए। मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर डाल दीजिए। फैक्स नंबर है तो फैक्स नंबर डाल सकते हैं। तो जो जो आपका है, जैसे अगर यहाँ पे टेलीफोन नंबर है, टेलीफोन नंबर आपको पता है कि 65 से स्टार्ट होता है तो 65 से आप नंबर, फिर जो भी आपका नंबर रहेगा आप डाल दीजिएगा। एक हम आपको एग्जाम्पल बता रहे हैं। फिर मोबाइल नंबर जो रहेगा मोबाइल नंबर आप डाल दीजिएगा। फैक्स नंबर है तो डालिए, अन्यथा छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी आप डाल सकते हैं। इस तरह से आप डाल सकते हैं। उसके बाद आपके पास वेबसाइट है तो वेबसाइट भी आप डाल सकते हैं। इस तरह से वेबसाइट डाल सकते हैं। फिर यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम, यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपका फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट हो रहा है। तो अभी चल रहा है सेशन 22 से 23, तो 22 से 23, तो यहाँ पे स्टार्ट कब से हो रहा है, 22 से। तो
1 अप्रैल 2022 से रहेगा, ये आपको ध्यान देना होगा, आपका काम है ठीक है। और यहाँ पे दोनों सेम रहेगा कि आप काम कब से स्टार्ट कर रहे हैं, तो 1 अप्रैल 2022 से, तो दोनों सेम भी रख सकते हैं, या जो आज का डेट से स्टार्ट कर रहे हैं तो आज का डेट भी यहाँ पे डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इफेक्ट इससे नहीं पड़ने वाला है ठीक है। फिर इंटर 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 प्रेस कर दिए, यहाँ पे देखिए आपको दिखाई दे रहा है कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली, यानी कंपनी हम लोग का डीआई टेक्निकल के नाम से कंपनी क्रिएट हो चुका है ठीक है। यहाँ पे आपको यस रहेगा, यहाँ पे मेंटेन इन्वेंटरी, अगर आप बेसिक अकाउंटिंग के बारे में काम कर रहे हैं यहाँ पे आपको नो रखना पड़ेगा। जैसे हम आपको एक्सरसाइज बताएंगे, बहुत सारा प्रैक्टिस करवाएंगे ठीक है, कि अकाउंटिंग में प्रैक्टिस कैसे करते हैं, स्टॉक मेंटेन कैसे करते हैं, तो जब अकाउंटिंग का काम करवाएंगे तो यहाँ पे आपको नो करवा देंगे, मतलब स्टार्टिंग स्टार्टिंग आपको पहले नो करने के लिए बताएंगे, उसके बाद ही आगे हम बताएंगे, अकाउंटिंग के बारे में पूरा क्लियर हो जाएगा आपका, कोई डाउट नहीं रहेगा, उसके बाद हम यस करके इन्वेंट्री के बारे में बताएंगे ठीक है। तो यहाँ से नो कर सकते हैं या फिर यस कर सकते हैं, तो यहाँ से हम लोग यस भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यस करने के बाद फिर यहाँ पे जीएसटी क्या है, तो जीएसटी के बारे में बताया जाएगा, तो जीएसटी कंपनी हम लोग बना लिए, तो यहाँ पर आपको जीएसटी के बारे में बताया जाएगा किस तरह से आपको डालना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डालते हैं जीएसटी नंबर, तो 20AAICD3157E1Z5, 15 डिजिट का जीएसटी नंबर होता है, 15 डिजिट का जीएसटी नंबर भी आपको डाल देना है, कोई दिक्कत नहीं होगा ठीक है। फिर यहाँ पे जो यहाँ पे बोल रहा है कि जीएसटी आप फाइल कब करते हैं, मंथली करते हैं क्वार्टरली करते हैं, तो वो आपका मंथली या क्वार्टरली जो करते हैं वो डाल सकते हैं, यहाँ से मंथली करते हैं मंथली कर लीजिए ठीक है। फिर इधर आपका एक्स्ट्रा कुछ आपको डिटेल नहीं डालना है, इंटर इंटर करते हुए आप इंटर 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 इंटर, हम लोग कंपनी क्रिएट हो चुका है सक्सेसफुली कंप्लीट, देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है डीआई टेक्निकल के नाम से ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो काम करना होगा, क्रिएट में जाएंगे, और लेजर अगर आपको क्रिएट करना है तो लेजर आपको क्रिएट यहाँ से होगा, ग्रुप करना है तो ग्रुप यहाँ से, स्टॉक ग्रुप हो जाएगा, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम, ये सब सारा चीज़ काम कैसे करेंगे वो आपको हम वीडियो में बताएंगे ठीक है। तो अभी तक हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, और आगे का वीडियो हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे। ओके थैंक यू।